देश हमेशा शहीदों, बलिदान, आज़ादी, एकता, अखंडता एवं भाईचारे को कभी नहीं भुला सकता। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव इत्यादि ने जो बलिदान देश की आज़ादी के लिए दिया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इन शहीदों को मंगलवार को विधानसभा में उपनेता कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने खिराज अकीदत पेश की। आपको बता दें, पत्रकारों से बातचीत के दौरान विधायक ने कहा, इन शहीदों की बदौलत ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। देश हमेशा इन क्रांतिकारियों का ऋणी रहेगा। आफताब अहमद ने कहा कि मेवात के लोगों ने 1857 की क्रांति के अलावा मुगलों से लड़ाई हो या फिर 1947 में देश की आज़ादी कराने की लड़ाई हो, सभी ने मेवात के लोगों का बलिदान शामिल रहा। मेवात के लोगों में देश प्रेम, वफादारी कूट कूट कर भरी हुई है। उन्होंने कहा कि आज चुनौती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने की कोशिश की जा रही है, इसके लिए कोई भी संघर्ष, कुर्बानी देनी पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे। सरकार किसानों इत्यादि की आवाज़ को दबाना चाहती है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जुल्म के खिलाफ लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। जब भी किसान क्रांतिकारी या कोई संघर्षशील साथी आवाज़ बुलंद करेगा तो उसके साथ खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे। आप देख रहे हैं नू से लियाकत अली की रिपोर्ट। ये देश हमेशा अपने शहीदों के लिए, अपने उन रणबांकुरों के लिए जिन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान देश की आज़ादी, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए और देश के भाईचारे के लिए हमेशा सर्वोपरि जो है रहा। और आज उन तीन महान क्रांतिकारी जिन्होंने इस भारतीय जो पूरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको मिला के जो उस वक्त आज़ादी की लड़ाई अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ रहा था, उनके लिए एक अपनी बलिदान देके एक ऐसी प्रेरणा और एक ऐसी जो है पूरे देश में एक संदेश दिया था, जिससे कि आखिर इस देश को अंग्रेज़ों को छोड़ना पड़ा और उन्हीं के बलिदानों से, उन शहीदों के बलिदानों से ही हम देश आज़ाद हुआ था। आज हम उन्हीं शहीदों की वजह से आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले पा रहे हैं। आज हम उनको खिराज अकीदत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यही प्रेरणा लेते हैं कि अपने देश के लिए, अपनी एकता के लिए, अपनी आज़ादी के लिए हम हमेशा उनसे प्रेरित रहेंगे और उन महान क्रांतिकारियों का हमेशा ये देश भी, ये जो है देश के लोग भी हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। अभिव्यक्ति की आज़ादी को खतरा है, मैं यही कहूँगा कि मेवात खास तौर पे जो कुर्बानी, चाहे वो 1857 की हो, चाहे उससे पहले मुगलों के खिलाफ लड़ाई की बात हो, चाहे अंग्रेज़ों की 1947 तक, हज़ारों लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान यहाँ के लोगों ने दिया, यहाँ के देश प्रेम और अपनी देश के प्रति वफादारी कूट कूट के हमारे लोगों में भरी हुई है। और आज जो चुनौती पेश आ रही है आज़ादी की, जो देख सकते हो आपको कहीं किसान आंदोलन के रूप में लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं और किस तरीके से उन्हें आज़ादी को, विफलता आज़ादी को, अभिव्यक्ति को दबाने की कोशिश करी जा रही है, हम ये सोचते हैं आज और भी ज़्यादा प्रशंसित हो गया है कि हम उन महान क्रांतिकारियों से प्रेरित होकर अपनी आज़ादी को कायम रखें और उसके लिए चाहे कोई भी हमें जो संघर्ष करना पड़े, कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम हमेशा तैयार लें, क्योंकि आज़ादी हमेशा जो है हमें कायम रखनी है और आज़ादी की अभिव्यक्ति अगर कोई सरकार अगर दबाना चाहेगी तो उसको हम कतई ना बर्दाश्त किया है हिंदुस्तानवासियों ने, पहले चाहे मुगलों की हो, चाहे अंग्रेज़ों की हो, चाहे आज की हुकूमत की हो, हम हमेशा अपनी आज़ादी के लिए, ये देश अपनी प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए जाना जाता है, इन्हीं के लिए हम लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे और आगे भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम अपने देश के लोगों के साथ खड़े हैं, चाहे वो किसान के रूप में हो, चाहे किसी और क्रांतिकारी, किसी और संघर्षशील साथियों के तौर पर।